हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो अपडेट है और दूसरा थोड़ा सा कैसे गाड़ी का जो डैशबोर्ड का जो वाइब्रेशन है और जो साथ में आप देख रहे हो ट्विटर लगे हुए हैं, कई बार उनमें भी वाइब्रेशन आता है। तो मेरी गाड़ी में तो ये प्रॉब्लम थी और कई बार बीच में बंद हो जाती है, कई बार शुरू हो जाती है, तो काफ़ी दिनों से ये चीज़ हो रही थी। तो मैक्सिमम गाड़ियों में, जो पुरानी गाड़ियां, जो पुराने मॉडल थे टाटा टियागो, उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोगों से, व्यूअर से आपने कमेंट देखे होंगे कि हाँ, ये प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए क्या किया, जो ट्यूटर का अगर आवाज़ आता है, जैसे ज़्यादा हिलीज एरिया में प्रॉब्लम आता है जहाँ पर रफ रोड होते हैं, या तो वहाँ पर ट्यूटर थोड़ा एडजस्टमेंट इसकी थोड़ा हिल जाती है, तो उसकी वजह से वो कट कट की आवाज़ करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ से ये पहले तो ये रबड़ जो बीडिंग है ये निकाल कर यहाँ से ये पैनल खोला, और मैं आज जनरल चेकअप के लिए गया था तो वहाँ पे वैसे ही मैंने इनको बता दिया। तो यहाँ से निकाल के वहाँ पे उनके पीछे एक पैकिंग आती है, एक फोम पैकिंग आती है, उसके पीछे उन्होंने लगाई दो तीन पीस काट के, तो उससे कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गई वो वॉइस। दूसरा, डैशबोर्ड में भी हल्का वॉइस तो वाइब्रेशन वाला था प्रॉब्लम जब गाड़ी चलाते थे, तो यहाँ पे भी उन्होंने ऑलरेडी ऑलरेडी तो नहीं, बट उन्होंने पैकिंग यहाँ पे भी दी। आप ये वाली चीज़ देख रहे हैं, यहाँ से उन्होंने स्क्रू ड्राइवर से इसको निकाला, सिंपली लॉक है इसके अंदर, ऐसे आगे और पीछे दोनों तरफ लॉक है, तो इसको स्क्रू ड्राइवर से ऐसे निकाल कर जैसे इन्होंने निकाला, तो इसमें ऑलरेडी पैकिंग लगी हुई थी। मुझे नहीं था पता इस चीज़ के बारे में कि ऑलरेडी पैकिंग दी जाती है इसमें, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ओपन किया ये, तो नीचे पैकिंग थी। तो थोड़ा सा उन्होंने दो चार पीस सेम उसी तरह की पैकिंग के काट कर दो चार पीस इस तरफ लगा दिए, दो चार पीस इस तरफ लगा दिए, तो फ़र्क तो पड़ा, वाइब्रेशन कम हो गई, क्योंकि ये स्पेस खाली होता है ज़्यादा डैशबोर्ड के नीचे और ज़्यादा वाइब्रेशन करता है। जिनमें एयर, ये तो एयर बैग वाली गाड़ी है, जिनमें एयर बैग नहीं है उनमें थोड़ा और ज़्यादा प्रॉब्लम है ये, क्योंकि एयर बैग इसमें तो अपना जगह ले लेते हैं जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन कम रहती है, बट फिर भी इसमें वाइब्रेशन थी, तो पैकिंग की वजह से इस पे वाइब्रेशन जो है एलिमिनेट हो गई। तो अगर आपकी गाड़ियों में प्रॉब्लम है, आती है, तो इस तरह से आप जाके वहाँ पर करवा सकते हैं। दूसरा, शायद और आपने करवाई भी होगी गाड़ियों ने। सेकेंड, एक चीज़ और कि जो हमारा एयर फिल्टर एससी है, एयर फिल्टर असेंबली है टाटा टियागो के गाड़ियों में, तो उसमें जो पुरानी वाली गाड़ियाँ थी उनमें प्रॉब्लम थी कि वो आवाज़ करते थे ज़्यादा, जैसे आप एक्सलरेट करते हो तो अजीब सी आवाज़ आती है इंजन से। तो मैंने बात करी उनसे, क्योंकि काफ़ी पहले से तो ये चीज़ नहीं थी, बट जब मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो ज़रूर ऑन कंप्लेंट बेसिस वो चीज़ इस चीज़ को ठीक कर रहे हैं, वो नई अस्सी पूरा का पूरा न्यू एयर फिल्टर असेंबली पूरा का पूरा इंस्टॉल कर रहे हैं, बट उनके स्टॉक में थी नहीं आज। तो उन्होंने मुझे एक 1 वीक का टाइम दिया है, तो होप्स हो कि 1 वीक तक वो आ जाए, तो मैं 1 वीक के बाद फिर जाऊँगा दोबारा उसको इंस्टॉल करवाऊँगा, तो देखूंगा कि क्या साउंड में फ़र्क आया। तो आई विल डेफिनेटली, मतलब एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा उसके ऊपर कि क्या फ़र्क पड़ा। तो इसके लिए 1 वीक रुकना पड़ेगा। तो यही दो एक अपडेट्स थी कि क्या टाटा टियागो में क्या अपडेशन हो रही है और क्या प्रॉब्लम्स वाइब्रेशन वाली को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर अच्छी लगे हो तो, और बाकी वीडियोस देख लीजिए। न्यू सब्सक्राइबर, न्यू व्यूअर्स हैं तो बाकी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड, कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, आप चेक कर लीजिए। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू सून।